तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में ह्यूमन आई पढ़ चुके थे। ह्यूमन आई के अलावा हम क्या कर चुके थे बच्चों? डिफेक्ट्स ऑफ आई भी पढ़ चुके थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्जन। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है डिस्पर्जन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे डिस्पर्जन। अब ये क्या होता है डिस्पर्जन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, एक साइंटिस्ट थे बच्चों, है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कॉची था, है ना। तो नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट आ रही है ना। यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आएगी तो सेम मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट लिखता हूँ, तो चाहो तो लिख भी लो। अकॉर्डिंग टू कॉची, साइंटिस्ट का नाम जो था, है ना, पूछा नहीं जाता, बस आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू कॉची द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द मीडियम। यानी कि अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आप पास करोगे तो उस अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, है ना। अभी तक हम ऐसी बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि हम जो लाइट का यूज कर रहे थे वो मोनोक्रोमेटिक थी। मोनोक्रोमेटिक मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। तो ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू दैट मीडियम, है ना। तो एक पर्टिकुलर मीडियम से अगर लाइट की वेवलेंथ बदलेगी तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा। मान लीजिए ये मीडियम है, तो जब आपने कोई लाइट इसमें ट्रेवल की तो अगर वो λ1 वाली वेवलेंथ है तो इसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 होगा। लेकिन अगर कोई दूसरी वेवलेंथ की लाइट जा रही है λ2, तो फिर इससे जो लाइट पास होगी उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, उसके लिए N2 हो जाएगा। λ1 वाले के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है। तो अगर सेम मीडियम में आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रेवल कराते हो, है ना, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रेवल कराते हो तो उसकी जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग होगी। लेकिन अभी तक हम तो सर एक ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते थे। जैसे आपको हम जब हम रिफ्रेक्शन पढ़ रहे थे तो जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई ग्लास है, तो ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है बोला गया 1.5 या 3/2, है ना। तो ये तो सर सिंगल वैल्यू थी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की। वो इसलिए थी क्योंकि जब हम वहां से लाइट प्रोड्यूस प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब लाइट उससे पास करा रहे थे, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हुआ करती थी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होती थी। मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट विच कंटेन्स सिंगल वेवलेंथ, जो केवल एक ही वेवलेंथ होती थी, कंटेन्स सिंगल वेवलेंथ। तो ऐसी लाइट का जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना बच्चों, ये याद रखना। और अगर बाइक्रोमेटिक बोलता मैं तो बाइक्रोमेटिक मतलब ऐसी लाइट होती है जिसमें दो वेवलेंथ होती। बाइक्रोमेटिक लाइट का मतलब अरे ये लैपटॉप को क्या हो गया? लाइट कंसिस्ट ऑफ। तो बच्चों, बाइक्रोमेटिक लाइट का मतलब यह है कि लाइट या लाइट वेव कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ। तो अगर वो दो वेवलेंथ कंसिस्ट करता है बच्चों तो वो बाइक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। और अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक बोलूं, पॉलीक्रोमेटिक, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो जाएगा
मोर देन टू वेवलेंथ, लाइट कंसिस्ट मोर देन टू वेवलेंथ, है ना, तो लाइट कंसिस्ट मोर देन टू वेवलेंथ, तो फिर वो पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं। अब यहां पे हम ऐसी ही लाइट की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं व्हाइट लाइट की बात, है ना बच्चों, व्हाइट लाइट। और आपको ये तो पता ही है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सेवन कलर्स होते हैं, और सेवन कलर्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं ये जो सेवन कलर्स होते हैं ना बच्चों, जो विव ग्योर आप बोलते हो, तो इन सेवन कलर्स में जब वायलेट कलर यू स्टार्ट होता है तो उसकी वेवलेंथ होती है बच्चों 4000 आर्मस्ट्रांग, है ना, मैं आर्मस्ट्रांग बता दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। आर्मस्ट्रांग जो होता है उसको कहते हैं बच्चों 10^-10 मीटर, है ना, 1 आर्मस्ट्रांग की जो वैल्यू होती है वो 10^-10 मीटर होती है ना, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ होती है आर्मस्ट्रांग, शायद केमिस्ट्री में आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो याद करो, इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग, है ना, ये आर्मस्ट्रांग रीड किया जाता है, और ये यूनिट ऑफ लेंथ है, और इसकी वैल्यू होती है मीटर में 10^-10 मीटर। तो जो वायलेट कलर की जहां से स्टार्ट होती है व्हाइट लाइट, जहां पे आपका ये होता है बच्चों विगोर में भी होता है, वहां पे जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो 4000 आर्मस्ट्रांग होती है, और जब ये एंड होता है तो अप्रोक्सीमेटली रेड के कलर, रेड कलर के पास में ये 7000 आर्मस्ट्रांग। तो देखो ये व्हाइट लाइट जो है ये कितनी वेवलेंथ कंसिस्ट करती है, कलर्स तो आपको साथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन 4000 आर्मस्ट्रांग से लेकर 7000 आर्मस्ट्रांग तक आपके बच्चों वेवलेंथ है, यानी इनफिनाइट वेवलेंथ है। आप सोचो 4000 से लेकर 7000 के बीच में जो भी नंबर बोलो आप, उस नंबर की वेवलेंथ है यहाँ पर, यानी कि इनफिनाइट वेवलेंथ है, इनफिनाइट वेवलेंथ है ना बच्चों। कलर तो आपको 7 दिखाई दे रहे हैं बट वेवलेंथ तो बहुत सारी है, तो व्हाइट लाइट जो है एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, इतने सारे। अब क्योंकि हमें व्हाइट लाइट को समझना है यहाँ पर, तो उसमें ये देखेंगे कि ये कलर सेपरेट होते हुए हमें दिखते हैं, कलर सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं, तो वो क्यों दिखते हैं, वो जो कारण है कलर्स का सेपरेशन, उसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अभी अभी मैं आगे चल के डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसको, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज तो कॉची ने ये बोला था कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर जो उस मीडियम से पास होता है। तो जितनी ज्यादा, जितनी बार मीडियम में जो आप लाइट सेंड कर रहे हो, अगर उसकी आप वेवलेंथ चेंज करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। दूसरी बात, अभी तक हम ऐसी क्यों बात क्यों नहीं कर रहे थे, हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की बात क्यों नहीं कर रहे थे, हम एक ही वैल्यू क्यों लेते थे, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखी है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ के लिए बात कर रहे थे, सिंगल वेवलेंथ, तो वहां पे वेवलेंथ बहुत सारी नहीं थी इसलिए हम उसकी बात नहीं करते थे। लेकिन बाइक्रोमेटिक है तो जैसे दो वेवलेंथ की बात हो रही है, पॉलीक्रोमेटिक है तो दो से ज्यादा वेवलेंथ की बात हो रही है, और हम यहाँ पे मेनली किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में कलर्स भले ही 7 हो विव ग्यो, बट इसमें होती इनफिनाइट वेवलेंथ है, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के चेंज की बात करना चाहते हैं। और जो आप याद रखेंगे, जो व्हाइट लाइट में वेवलेंथ की रेंज होती है, जो विजिबल, जो हमें विजिबल है, जो हमें दिखाई देती है, वो 4000 आर्मस्ट्रांग से लेकर 7000 आर्मस्ट्रांग तक है। और आप ध्यान से देखें तो विवग्योर से वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा बच्चों, लैम्डा इंक्रीज होगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ती है। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। तो जब आप विवग्योर में वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है ना। तो आप ऐसा याद रखेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो विवग्योर में रेड कलर की होगी, और मिनिमम वेवलेंथ जो है लैम्डा मिनिमम वो व्हाइट लाइट में वॉयलेट की होगी, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, और जैसे जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ जाते जाओगे तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और आर्मस्ट्रांग का मैंने बताई दिया, यूनिट ऑफ लेंथ है जिसकी वैल्यू 10^-10 मीटर। मेरे ख्याल से आपको यहां तक क्लियर है। अब कॉची ने बोला कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कैसे वेरी करता है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा, चाहो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मत लिखो, नहीं तो आप सोचेंगे कि ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। मतलब उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था एक दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना है बच्चों,
फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अकॉर्डिंग टू कॉची's फॉर्मूला हम ये बोल सकते हैं, उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम घटेगा, है ना। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उससे ये निष्कर्ष निकलता है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो सेम मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स घटेगा। यानी कि किसी मीडियम का, अगर एक पर्टिकुलर मीडियम है तो रेड कलर की लाइट के लिए, क्योंकि इसका लैम्डा ज्यादा है तो रेड कलर के लिए लाइट के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लैम्डा ऑफ रेड कलर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, लैम्डा ऑफ वायलेट कलर से। तो अगर इसका लैम्डा ज्यादा है तो रेड के लिए उसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा, और वायलेट कलर के लिए उसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसका लैम्डा कम है तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। तो ये जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, पूरा डिस्पर्जन का खेल इसी पे टिका हुआ है, और ये आपको समझ में आता है तो डिस्पर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सिंपल सी बात यह है, सबसे पहली बात तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या बोला गया, कि भाई ये बोला गया कि किसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। अलग अलग वेवलेंथ जाएंगी तो अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। कैसे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, या जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। तो हमें ये पता है, सर ने बताया है कि विवग्योर में वॉलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो अगर वेवलेंथ बढ़ती है विवग्योर से वी से रेड की तरफ जाने पर, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो घटेगा, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम, कम वेवलेंथ तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा रिफ्रेक्ट लैम्डा जो है वो रेड का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है, तो सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फिर रेड के लिए होगा और सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का वायलेट के लिए होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम डिस्पर्जन को समझते हैं आगे चलते, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में जो है कितने कलर्स होते हैं बच्चों, 7, लेकिन वेवलेंथ जो है होती है वो इन्फिनिटी होती है। कलर्स हम ऐसे लिखते हैं, विवग्योर, विवग्योर है ना, बाकी आप सब जानते हो, वी का मतलब वॉलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड, है ना। तो अभी हमने देखा कि जैसे आप वी से वॉलेट से रेड की तरफ जाते हो तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड के लिए और सबसे कम वेवलेंथ जो है, और किसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स घटता है, और अगर वेवलेंथ घटता है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। ये हमने अभी सीखा भाई, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कारण है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, यही कारण बनेगा इस व्हाइट लाइट को सेपरेट करने में किसी मीडियम में। अब देखो हम उसको भी समझते हैं। तो लेट सपोज कि बच्चों ये हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस होता है ना जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, रिफ्रेक्शन में हमने देखा था। तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज एन इंटरफेस, ये हमारा बच्चों इंटरफेस है। तो ये ऊपर वाला जो है मीडियम, लेट सपोज ये कोई मीडियम है मीडियम वन, और ये कोई दूसरा मीडियम है मीडियम टू, है ना। तो यहां से अब लाइट आ रही है, और मान लीजिए कि व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट है, देखो इंटरफेस पे ये टकराए, और हम मैं मान रहा हूं कि ये व्हाइट लाइट है, ऐसे देखो। तो यहां पे इसको भी लिख लेते हैं, ये है अपनी व्हाइट लाइट जो इंसिडेंट हो रही है। अब इस व्हाइट लाइट में तो बहुत सारी वेवलेंथ है, इन्फिनाइट वेवलेंथ है, बहुत सारे कलर्स हैं, 7 कलर्स है ना। तो ये इंसिडेंट हो रही है, ऐसे जहां इंसिडेंट हो रही है वहां पे हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मल। तो देखो हम यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं जल्दी से, ये है ना। तो ये अपना नॉर्मल हो गया भाई, इसको रुक जाओ, रेड कलर से नहीं बनाते हैं, मैं नॉर्मल जो है वो दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो देखिए
ये डॉटेड लाइन से बना देते हैं ना, तो ये बच्चों आपका हो गया नॉर्मल, है ना। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं और वो सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो सारे कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम, आई इज सेम सेम फॉर ऑल कलर्स, है ना। तो इसके लिए तो सब बच्चों सेम हो गया। मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ पे आप देखो कि वो एक ही मीडियम से आ रहे थे, तो उन सभी कलर्स के लिए जो व्हाइट लाइट के साथ ही आ रहे थे, तो सबके कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम था, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम सेम फॉर ऑल कलर्स। चलो ये तो हमें समझ में आया। अब इसमें देखो होगा क्या, अभी हमने देखा कि लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, और क्योंकि इसमें तो सारे कलर्स हैं, तो जब ये रिफ्रैक्ट होंगे तो क्योंकि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए चेंज हो चुका है, सबके लिए चेंज हो चुका है, तो अब इसी बात है इनमें बेंडिंग भी तो अलग अलग होगी भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है तो रिफ्रैक्शन में बेंडिंग भी तो अलग अलग होती है। अब वो कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखें भाई, हमें तो ये पता है कि कोई भी राइट ऐसे आती है एक इंटरफेस से, ये नॉर्मल है तो ऐसे बेंड होती है, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन होता है। अब मान लीजिए कि मीडियम वन जो है वो एयर है और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, यहाँ पे एयर है और एन है, तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो ना बच्चों। तो अगर हम स्नेल्स लॉ से देखें तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है कि जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे एयर है तो एयर का वन इंटू उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो साइन आई हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर सेकंड मीडियम में चला गया तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इनटू साइन आर, तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होगा बच्चों, आप देखें साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई बाई एन। तो यहां पे देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो सभी कलर्स के लिए सेम है, सभी कलर्स के लिए सेम है, तो साइन आई तो हर कलर के लिए कॉन्स्टेंट है ना, लेकिन हर कलर के लिए हर वेवलेंथ के लिए कौन बदल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पे घट रहा है, देखो बच्चों अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो यहाँ पे देखें आपको ये बात समझ में आएगी कि साइन आर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये समझ में आता है अपन को, क्यों भाई, क्योंकि आई जो है साइन आई वो तो कॉन्स्टेंट है ना, सभी कलर्स के लिए एक ही वैल्यू है उसकी, तो कौन चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो किसको चेंज करना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को चेंज होना पड़ेगा। अब सोचो बच्चों कि अगर यहाँ पे एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्स रिलेशन ना, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि साइन आर की वैल्यू रेसिप्रोकल है, तो साइन आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। अब बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब एंगल भी बढ़ रहा है ना, तभी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ता है। आप जीरो से 90 डिग्री पे जब जाते हो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन 90 की वैल्यू वन होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे कब बढ़ती है, जब एंगल बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, अगर साइन आर बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि आपका लैम्डा बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव लैम्डा कम है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन है बच्चों, सबसे कम कौन है, तो आपका वॉयलेट, किसका लैम्डा सबसे कम है, वॉयलेट का। तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मिनिमम होगा किसके लिए बच्चों, वॉयलेट कलर के लिए, वॉयलेट कलर, यानी वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी इसमें, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा बेंड हुआ है, ऐसे समझो आप। जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है उसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा है, तो ये बात आप याद रखना, मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो देखो रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका लैम्डा मिनिमम होगा, मिनिमम लैम्डा किसका है बच्चों, वॉयलेट कलर का, वॉयलेट कलर का। और जो सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसकी बेंडिंग तो सबसे ज्यादा होगी ना भाई, उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, तो बेंडिंग मैक्सिमम होगी, बेंडिंग मैक्सिमम। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है बच्चों, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
अब जैसे मैं बोलूं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होगा, जिसका लैम्डा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम लैम्डा किसका है बच्चों, हमें पता है रेड का, तो रेड का मैक्सिमम लैम्डा लैम्डा होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी, तो जो बेंडिंग है वो मिनिमम होगी, बेंडिंग इज मिनिमम, बेंडिंग इज मिनिमम, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अब यहाँ पे बनाते हैं, तो वॉयलेट जो रे है उसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन सबसे कम है, तो सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन पे कौन आएगा, ये देखो वॉयलेट कलर, ये दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ वॉयलेट कलर, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ वॉयलेट कलर, लेकिन बेंडिंग तो सबसे ज्यादा इसमें ही होगी ना बच्चों, बेंडिंग तो सबसे ज्यादा इसी में होगी वॉयलेट कलर में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुड़ेगी अपनी ओरिजिनल पास। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका सबसे कम उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा, फिर अगर हम दूसरा देखें तो रेड कलर, रेड कलर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है तो उसमें बेंडिंग सबसे कम होगी, ये देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा बना रहा है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेड कलर, तो इसमें बेंडिंग सबसे कम हुई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा बेंडिंग उतनी कम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना कम उसमें बेंडिंग उतनी ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वॉयलेट कलर के लिए लेकिन बेंडिंग मैक्सिमम है, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेड कलर के लिए लेकिन उसमें बेंडिंग मिनिमम है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर चला गया, अब बाकी के जितने कलर्स हैं बच्चों आप सोचो वो कहाँ जाएंगे, वो सब तो यहाँ होंगे ना इनके बीच में, जितने भी कलर्स हैं आपके भाई, इंडिगो आपका, ग्रीन, ब्लू, येलो, सब इनके बीच में रहेंगे, ऐसे सब ऐसे रहेंगे बीच में, देखो तो ये आपके सारे कलर्स हैं भाई यहाँ पर, विव ग्योर है ना, इस तरीके से विव ग्योर। तो देखो हुआ क्या बच्चों, इसी को देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो गई है, देखो आप ये एंगल में फैल चुके हैं, व्हाइट लाइट से एंगल पे फैल चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट हो गई है इनटू कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स, और ये जो फिनोमिना है इसी को तो हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ये फिनोमिना है इसी को तो बोला जाता है क्या बच्चों, डिस्पर्जन, यानी व्हाइट लाइट को अगर आप स्प्लिट कर देते हो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, आपको कलर्स दिखने लगते हैं, तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब ये आपको समझो ये क्यों हुआ, स्प्लिटिंग क्यों आई है, ये स्प्लिटिंग इस वजह से आई है, इसमें एंगल इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि यहाँ पर बच्चों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो रिफ्रेक्टिव जो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो गया, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से उनका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अलग अलग हो गया, उसमें बेंडिंग अलग अलग हो गई, जिसके कारण उनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, और उस एंगल की वजह से वो जो व्हाइट लाइट में जो कलर्स थे वो फैल गए, एंगल क्रिएशन की वजह से व्हाइट लाइट में जो कलर्स थे वो फैल गए, और अगर फैल गए तो उनकी स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई तो उसी फिनोमेना को हमने क्या बोला बच्चों, डिस्पर्जन। आई होप आपको पूरी कहानी डिस्पर्जन की अब क्लियर होगी, समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि आप जब भी किसी रे को दूसरे मीडियम में डालते हो तो अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग हो जाता है, बेंडिंग अलग अलग हो जाती है, इसलिए उनके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये जो स्प्लिटिंग का फिनोमेना है इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों को क्लियर होगा, है ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जल्दी से हम क्या करते हैं कि डिस्पर्जन का डेफिनेशन लिख लेते हैं जो अभी हमने समझा, तो आप लिखेंगे डिस्पर्जन और डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन में लिख लीजिए द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent colors on passing through a medium
ड्यू टू चेंज इन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू चेंज इन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स, इज कॉल्ड एज बच्चों इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। तो इसी फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। आई होप आपको डिस्पर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब बच्चों ये जो डिस्पर्जन है ना, ये अगर आप एक वो होता है स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म, उस प्रिज्म में ये बड़ा ही शानदार दिखाई देता है। तो जब आपको लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है डिस्पर्जन का, तो प्रिज्म के थ्रू कराया जाता है, स्लैब के थ्रू नहीं कराया जाता। स्लैब में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, स्लैब में डिस्पर्जन नहीं दिखता है, डिस्पर्जन बहुत क्लियर कट दिखता है प्रिज्म में, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली टू सी डिस्पर्जन, एक्सपेरिमेंटली टू सी डिस्पर्जन वी ऑलवेज यूज अ डिवाइस नोन एज प्रिज्म। तो अब ये प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में तो मैं आपको समझाता हूं। बट कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर प्रिज्म तो ठीक है, हमने तो स्लैब पढ़ा है, स्लैब भी तो एक मीडियम है, तो उसमें क्यों नहीं डिस्पर्जन दिखता। तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि किसी भी मीडियम में अगर ये ऐसे मीडियम है और ये ऐसे व्हाइट लाइट आ रही है ना, ये आपकी व्हाइट लाइट आ रही है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें डिस्पर्जन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण यहाँ पे अलग अलग क्या होता है बच्चों, आपका ऐसे ये अलग अलग बेंडिंग होती है ना, अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है, अलग अलग बेंडिंग होती है। तो जैसे कलर्स हैं जो वो ऐसे टूट गए बच्चों इस तरीके से, तो इनके बीच में एंगल क्रिएट हो जाता है, इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों, ये एंगल क्रिएट होता है। अगर ये नॉर्मल है तो ये देखो ये एंगल क्रिएट हो जाता है, इस वजह से ये फैल गया ना विवग्योर तक, इस एंगल की वजह से फैल गया। अब आप सोचो कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है, इसको हालांकि एंगुलर डिस्पर्जन ही बोलते हैं, डिस्पर्जन का मतलब एंगुलर डिस्पर्जन, इसमें जितना फैलाव आएगा ये जितना एंगल ज्यादा है एंगुलर डिस्पर्जन उतना ही अच्छा दिखेगा। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो नो डिस्पर्जन सीन, आप डिस्पर्जन देख नहीं पाओगे अच्छे से, नो डिस्पर्जन सीन अगर ये एंगल बहुत छोटा है। और अगर यही एंगल फैलाव जो है वायलेट से रेड कलर के बीच में बहुत ज्यादा है तो क्लियर डिस्पर्जन सीन, नो डिस्पर्जन सीन, क्लियर डिस्पर्जन सीन, है ना। तो आपको क्लियरली डिस्पर्जन दिखाई देगा भाई। तो बेसिकली प्रिज्म का फंडा यही है, प्रिज्म जो है वो बहुत अच्छे से इस एंगल को बहुत बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा फैला देता है ना। इसलिए प्रिज्म का जो फंडा है बड़ा क्लियर होता है, उसमें बहुत आसानी से आपको ये जो है एंगल जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा एंगल बनने की वजह से आपको क्लियरली डिस्पर्जन सीन होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब बच्चे बोलते हैं स्लैब, तो स्लैब में क्या दिक्कत है सर, स्लैब में क्यों नहीं दिखता है। तो एक्चुअली में स्लैब का कारण क्या, मैं आपको बताता हूँ। स्लैब आपने पढ़ा था बच्चों, तो स्लैब में होता क्या है वो समझे आप पहले। ये आपका स्लैब है, तो स्लैब का फिनोमेना भी अभी हम समझ लेते हैं। तो अगर ये स्लैब है तो मैंने आपको बताया था भाई कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि व्हाइट लाइट आई है ना स्लैब में, स्लैब में क्यों नहीं दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ। तो स्लैब में मान लीजिए कि ऐसे व्हाइट लाइट आई, तो जब इस इंटरफेस पे टकराया स्लैब के, तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से ये नॉर्मल बना लिया हमने। तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन किसका होगा भाई, वॉलेट कलर का, है ना। तो वो आप बना लो, तो ये ऐसे वॉलेट कलर का। फिर इससे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन किसका होगा भाई, रेड कलर का। तो ये ऐसे फैल गए। लेकिन आपको पता है ना कि जब ये पास होते हैं, जब ये पास होते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल रे होती है उसके ये पैरेलल हो जाते हैं सब, इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डेविएशन नहीं आता इसमें, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो रेज हैं ये पैरेलल ही शिफ्ट कर जाती है बच्चों, देखो ओरिजिनल पाथ के, ये ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर गया और रेड वाला कलर ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर गया। तो जब ये पहली बार में एंगल
बना रहा था दोनों के बीच में, वॉयलेट और रेड कलर के बीच में, ये एंगल बहुत कम था, और जब वो दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन करके निकला तो ये आपस में तो पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे जो एंगल है इनके बीच का फैलाव का वो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि ये सारी रेस जो है वो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि स्लैब जो है वो डेविएशन नहीं देता है, वो रे को मोड़ता नहीं है, केवल पैरेलली शिफ्ट कर देता है। इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे बच्चों, एक्स, आपको याद होगा मैंने रिफ्लेक्शन में निकलवाया था। तो सारी रेज अगर पैरेलल हो गई है ओरिजिनल रे के, तो इनके बीच में एंगल तो 0 हो गया, यानी ये सारे कलर्स हमारी आंखों में एक साथ आते हैं, और अगर ये कलर सारे हमारे एक साथ आती हैं आंखों में तो वो सब मिक्स हो जाते हैं और फिर से हमें व्हाइट लाइट दिखती है बच्चों, फिर से हमें कौन सी लाइट दिखती है, व्हाइट लाइट। इसलिए स्लैब से आपको क्या नजर नहीं आता है, आपको डिस्पर्जन नजर नहीं आता है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन स्लैब ऑल कलर्स बिकम पैरेलल है ना बच्चों, मैं साइन बना रहा हूं पैरेलल का, आप पूरा लिख लेना, पैरेलल टू ईच अदर ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्लैब लेटरल डिस्प्लेसमेंट करता है, ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें डेविएशन नहीं होता है ना, ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल द कलर्स mix up with each other and again form white light. Hence, we cannot, बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, आप उसके नीचे लिख लें, hence we cannot see dispersion, we cannot see dispersion through slab, इसी वजह से हम स्लैब से डिस्पर्जन नहीं देख पाते हैं ना। आई होप आपको कारण समझ में आया होगा कि स्लैब में क्यों नहीं डिस्पर्जन दिखता, और जबकि यहाँ पे डेविएशन क्रिएट कराएगा बहुत ज्यादा, कौन बच्चों, प्रिज्म, इसलिए प्रिज्म में आप क्लियर कट क्या देख पाते हो बच्चों, डिस्पर्जन देख पाते हो ना। तो अभी तो आप इतना लिख लें, फिर अभी हम नेक्स्ट सेशन में जो है हम प्रिज्म पे चर्चा करेंगे है ना, तो अभी यहीं तक हम पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, प्रिज्म पे चर्चा करेंगे, और प्रिज्म में देखेंगे कि हम कैसे डिस्पर्जन को देख सकते हैं आसानी से, वो कैसे डेविएशन बढ़ा देता है और इनके बीच का जो फैलाव है उसको इंक्रीज कर देगा है ना, तो हमें डिस्पर्जन दिखने लगेगा।